पप्पू यादव को धोखा किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, आरजेडी ने दिया। और क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी का आशीर्वाद है कि नहीं है पप्पू यादव के साथ? देखिए, सबसे पहली बात तो जो है कि यह तो पूर्णिया के लोग जो है इस बात से वाकिफ हैं कि वहाँ उनको बुला के जिस तरह से जो है कुछ लोगों को अनसिक्योर दिया ना, धोखा दे दिया, बहुत धोखा दे दिया आपने। नहीं नहीं, हमने उन्हें बुलाया नहीं था, उन्होंने हमारे यहाँ मिलने आए थे। बुलाए मेहमान पप्पू यादव बिन बुलाए मेहमान है क्या? बिन बुलाए मेहमान है क्या? बिन बुलाए मेहमान है क्या? नहीं है। अच्छा ये बताइए, लोग कह रहे हैं, ये अभी मैं इनके पास दोबारा लौटूंगा, वो कांग्रेस में गए, पार्टी का विलय भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, टिकट नहीं दिया, तो ये बताइए पूर्णिया इस बार किसके साथ है? किसके साथ? पप्पू यादव। पप्पू यादव के साथ। सवाल है। अच्छा आप, आपका नाम क्या है ये बताइए? मेरा नाम अकील अहमद हुआ। अकील भाई, तो यहाँ मुझे बताया गया 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और मुसलमान यादव जिधर हो गया उधर खेला हो जाता है। मुसलमान किधर है पूर्णिया का? देखिए मुसलमान मुसलमान की बात मत कीजिए। ये चुनाव जो हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है काम के बल पर। काम किसने? संतोष कुशवाहा ने कुछ काम किया? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 10 साल उन्होंने काम किया, 10 साल में जितने लोग उनसे मुलाकात करने गए होंगे, पप्पू यादव जी से 1 दिन में उतने लोग मुलाकात करते हैं, वो पप्पू यादव जी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हमारे हैं प्रधानमंत्री, आदरणीय हैं, नीतीश कुमार जी हैं, यहाँ पूर्णिया में पप्पू यादव जी की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप आते हैं आपके पास और जवाब भी ले लेते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों के सहमति या असहमति देखने, ये बताइए पूर्णिया का विकास पिछले 10 सालों में एनडीए की सरकार में हुआ या नहीं हुआ? आप लोग कह रहे हैं हुआ तो क्या हुआ ये बताइए, क्या क्या किया? ये तो दिखाई पड़ रहा है। अब जिसका कोई विजन ही नहीं हो, जिसके नेता का विजन नहीं हो, उसके कार्यकर्ता और उसके जनता की क्या बात कर रहा हूँ। विकास तो स्पष्ट रूप से क्या चाहिए हमें, एक मूलभूत जो सुविधा होती है इंसान के लिए, हर विकास के लिए, चाहे वह सड़क हो, पढ़ाई के लिए, शिक्षण संस्थान। काम हुआ, काम हुआ है जी, हुआ है। 20 काम हुआ, 20 बड़ा बड़ा नाम गिनाएंगे। पूर्णिया में विश्वविद्यालय खुला, किसी विद्यालय खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज बना, पूर्णिया में पासपोर्ट कार्यालय खुला, पूर्णिया में जो पटना पूर्णिया छुआ के नहीं हुआ। हाँ विकास हुआ है, पूर्णिया विकास हुआ एकदम नहीं है। क्या नहीं हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ, विकास पूर्णिया में नशा, नशा का विकास हुआ है, दारू का नशा फैला। देखिए विकास सिर्फ यदि हुआ है तो नशा का विकास संतोष कुशवाहा के राज में विकास हुआ है। जो प्रक्रियाधीन है उसमें जो मिनिमम टाइम लगता है वो लगेगा। अगर आज यूनिवर्सिटी बना, एनडीए तो ठगी महसूस कर रही है, एनडीए के साथ तो पूरे संतोष कुशवाहा रहे नहीं। मेरा सवाल जदयू से है कि 10 साल आपने उसके साथ रहने का काम किया, लेकिन एक यूनिवर्सिटी बना, उसके पास बिल्डिंग नहीं है, ना स्टाफ है, ना कोई। ये बताइए, कुछ लोग कह रहे विकास हुआ, कुछ लोग कह रहे विकास नहीं हुआ, क्या स्थिति है यहाँ पर ये बताइए? सवाल पैदा होता कि विकास देखने का। और एक बात मैं भूल गया था, एक आदमी ने कहा जितना संतोष कुशवाहा 10 साल में मिले होंगे पप्पू यादव उतना 1 दिन में मिलते हैं। और देखिए सही है गलत है, सवाल पैदा होता है कि नेता यहाँ रहते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उनका घर है, यहाँ रहते हैं। सवाल पैदा होता है कि उनको किसी भी को सांसद बनाते हैं उसका मुद्दा विकास का होता है, मिलने के लिए नहीं होता है कि मुसाफा करता रहे। जनता से नहीं मिलेंगे? नहीं, जनता से नहीं मिलते क्या आप लोग? मिलेंगे इसलिए देखिए, जनता तो करी नहीं मिले। एक सांसद को पार्लियामेंट भी जाना आता है, जिसको कोई काम ही नहीं, रुपया की तरह घूमना है तो क्या करेगा, वो क्षेत्र में घूमेगा ही घूमेगा। आपका कैंडिडेट है कांग्रेस के साथ, आप चुनावी मैदान में हैं और पोस्टर लेके पप्पू यादव घूम रहे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कह रहे पूरा आशीर्वाद है, पत्नी उनकी पहले से कांग्रेस में है, ये गफलत कांग्रेस क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस आपके साथ धोखा कर रही है? नहीं नहीं, अगर कोई व्यक्ति जिस निर्दलीय खड़ा हो और अगर वो किसी दूसरे दल का पोस्टर लेके घूम रहे हैं, कांग्रेस खंडन क्यों नहीं करती? कांग्रेस तो खंडन क्यों नहीं करती? उनके प्रदेश अध्यक्ष खंडन कर रहे हैं, ये आचार संहिता उल्लंघन का मामला है, प्रशासन को देखने का चीज है। अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी किसी दूसरे दल का
पर तो पोस्टर लेके घूम रहा। मैं एक चीज का खंडन कर देता हूँ सबसे पहले। यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि संतोष कुशवाहा के कार्यकाल में विश्वविद्यालय बना है। हमारे पैनल में बैठे लोगों को जब ये ज्ञान नहीं है कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार बनाती है ना कि केंद्र सरकार, और हम जो एमपी को, ये सही बात है। अच्छा ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर है। आ रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर है। पप्पू यादव के साथ क्या धोखा हुआ है? क्या पप्पू यादव के साथ धोखा हुआ है? क्या धोखा हुआ है? क्या धोखा हुआ है? क्यों वो कह रहे हैं हमारे नेता उनको आशीर्वाद नहीं देते हैं और आप जबरन उनके पोस्टर लेके घूम रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात तो है कि पूर्णिया में जो है इस बार जाति धर्म पार्टी का बंधन टूट गया है। बच्चा बच्चा यहाँ पप्पू यादव जी के रूप में जो है लड़ाई लड़ रहा है। पूर्णिया का एक एक बच्चा पप्पू यादव जी के रूप में है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, विगत 10 सालों में पूर्णिया ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपने सांसद को चुनने का काम जरूर किया है, लेकिन पूर्णिया की जनता खुद को ठगी हुई महसूस कर। ये बताइए ये लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप ये बताइए, अभी 20 साल पहले भी पप्पू यादव यहाँ पे सांसद था, तब का स्थिति देख लीजिए और अभी का स्थिति देख लीजिए, क्या स्थितियाँ बदली है? क्या स्थितियाँ बदली है? चलिए वक्त हमें यहीं तक इजाजत दे रहा है, हमें अपने कार्यक्रम का समापन करना होगा, लेकिन पूर्णिया की आवाज ये है कि पप्पू यादव चुनाव जीते या ना जीते लेकिन खेला खराब करने का मादा रखते हैं, और इस बार पूर्णिया किधर जा रहा है ये 4 जून के नतीजे तय करेंगे। फिलहाल आपको छोड़ जाते हैं पब्लिक पोल में जनता बोल के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।